एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को ऑनलाइन करेंगे संबोधित, आतंकवाद के मुद्दे पर करेंगे बात। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन आज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। सीएम गहलोत करेंगे मैराथन बैठकें, कोरोना की रोकथाम के लिए लेंगे लोगों से सुझाव। शिक्षक भर्ती को लेकर डूंगरपुर में तनाव जारी, तीसरे दिन भी हालात जस के तस। पुलिस ने 700 लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को ऑनलाइन संबोधित करेंगे, आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। कोरोना वायरस महामारी के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री का पहले से रिकॉर्ड किया जा चुका यह संबोधन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में स्थानीय समय शाम 6:30 बजे होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी पहले वक्ता होंगे। सूत्रों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जारी 75वें सत्र के दौरान भारत की प्राथमिकता आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत करने पर जोर देने की होगी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रभावी प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए समावेशी और जिम्मेदार समाधान का आह्वान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रभावी प्रतिक्रिया के जरिए जहां चीन पर निशाना साधने की कोशिश होगी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए समावेशी और जिम्मेदार समाधान से पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। राहुल ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमी को महसूस कर रहा है। वायनाड सांसद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के तौर पर भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमी को महसूस कर रहा है। उनकी ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, यह साल उनके लिए खूबसूरत हो। साथ ही पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शुभकामना देते हुए उनके लंबे स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल से न छोड़ने पर यह धमकी दी गई है। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी का मैसेज भेजा गया है। पता चला है कि 9696755113 नंबर से मैसेज भेजा गया है। फिलहाल मामले में हजरतगंज पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस और साइबर सेल की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। बता दें कि सीएम योगी को लेकर पहले भी कई बार धमकी भरे मैसेज यूपी 112 के पास आ चुके हैं, जिसके बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। तमाम कवायदों और प्रयासों के बावजूद भी कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ इस पर मंथन कर रहे हैं। इसी को लेकर आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैराथन बैठकें लेंगे। सीएम आवास पर दोपहर 12 से शाम 5 बजे होने वाली बैठकों के जरिए मुख्यमंत्री कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों के सुझाव लेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और चिकित्सकों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 5 बजे चिकित्सकों से संवाद कर उनके विचार जानेंगे। VC में सरकारी चिकित्सकों के साथ ही रिटायर्ड और निजी चिकित्सालयों के चिकित्सक भी जुड़ेंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर डूंगरपुर में हुआ बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 दिन से उपद्रवियों की भीड़ ने जमकर बवाल काट रखा है। प्रशासन इन उपद्रवियों के सामने फेल होता नजर आ रहा है। भीड़ ने कल कई बार पुलिस कर्मियों और पुलिस बल पर जमकर पथराव किया। आज तीसरे दिन भी प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध कायम है। हालात जस के तस बने हुए हैं। जिले के सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप पर निगाह रखी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करने वाले मैसेज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहर में कई पुलिस जवान इसी काम में जुटे हैं। प्रदेश में चल रहे ग्राम पंचायतों के चुनाव के बीच तबादलों पर से बैन हटाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति के बाद सरकार हरकत में है। आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी माना है। तबादलों से बैन हटाने पर आपत्ति जताते हुए राज्य चुनाव आयोग ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए चिट्ठी लिखी थी। आयोग की ओर से यह पत्र करीब 10 दिन पहले लिखा गया था। राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को भेजे अपने पत्र में कहा कि प्रदेश में 3,848 ग्राम पंचायतों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित हो चुका है। ऐसे में राज्य सरकार बिना आयोग के अनुमति के तबादलों से रोक नहीं हटा सकती। सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र मिलने के बाद सरकार हरकत में आ गई है।
सरकार में इसे लेकर मंथन चल रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के प्रमुख सचिव राजीव स्वरूप के बीच चर्चा भी हो चुकी है। बताया जाता है कि एक दो दिन में सरकार चुनाव आयोग की चिट्ठी का जवाब दे सकती है। राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जयपुर और जोधपुर कोरोना के गढ़ बन गए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और मौतों को लेकर जोधपुर प्रशासन ने एक बार फिर जोधपुर में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। सोमवार अल सुबह तक जोधपुर में लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में जयपुर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी में भी लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की जा रही है, जिससे कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर नियंत्रण किया जा सके। एक के बाद एक बढ़ती मौतें प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले कई दिनों से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत आरआर दर्रो इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी सेवा संभाग अंबिकापुर में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन अभियंता स्थानांतरण के बाद भी पद पर बने हुए हैं, जबकि सरकार ने पिछले 16 अगस्त को दूसरी बार उनके स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए थे। दरअसल अधिकारी अपनी पसंदीदा सीट से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, इसके लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं चूकते हैं। अगर कोई अधिकारी स्थानांतरण का उल्लंघन करता है तो यह नियमावली 2003 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन आज डीजल के दाम घट गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच तेल कंपनियों ने डीजल के दामों में 18 पैसे की कटौती की है और इसके भाव 79.78 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं। पेट्रोल के भाव 88.21 रुपए प्रति लीटर पर पड़े रहे। सितंबर माह में पेट्रोल के दामों में 1.8 रुपए और डीजल के दामों में 2.84 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। बता दें कि सितंबर माह में आज 15वीं बार डीजल के भाव में कमी की गई है। इस तरह 24 दिनों के भीतर 15वीं बार भाव में कटौती हुई है। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं। केकेआर ने सीजन का पहला मैच मुंबई के खिलाफ खेला था। इस मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। आज होने वाले मुकाबले में दोनों ही टीमों की निगाहें सीजन की पहली जीत पर होगी। दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली केकेआर की टीम की प्लेइंग में बहुत अधिक बदलाव की गुंजाइश नहीं है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद में एक आध बदलाव की संभावना है। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।